हाई गाइज आई होप यू आल आर डूइंग वेरी वेल गाइज इन दिस फिर आई विल भी स्टार्टिंग विद द थर्ड चैप्टर ऑफ़ीसी एफ नाइन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इन्वेस्टमेंट अप्रिजल डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स तो गाइज जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि हम सिंपल किसी इन्वेस्टमेंट में अगर हमें पैसे डालने के नहीं डालने उसके लिए वॉट वी कैन चेक जैसे हमने आर ओ सी ई पे बैक पीरियड देखा था और मैंने साथ ही बताया था कि वो जो चीज़ें हैं दोज़ आर नॉट वेरी एक्ूरेट ये जो चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हैं और लॉजिक्स भी समझना बहुत जरूरी है तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी के लिए ठीक है आगे के लिए भी देखेंगे बट अभी के लिए इट्स तो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स बेसिकली क्या होती है वाई वी आर डूइंग दिस चैप्टर देखो इसका लॉजिक क्या है गाइस अब जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ तुमने किसी प्रोजेक्ट में वन लाख रुपीज इन्वेस्ट करे ठीक है यू हैव इन्वेस्टेड इनवेस्टेड लाख रुपीज इन अ प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है वो तुम्हें लेट से टोटल टू थाउजेंड टू थाउजेंड टू थाउजेंड टू थाउजेंड एंड टू थाउजेंड मतलब ये प्रोजेक्ट तुम्हें टोटल जो रिटर्न दे रहा है या इसका रिटर्न चलो अमाउंट ज़्यादा कर लेते हैं लेट से ट फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड एंड फोटी थाउजेंड लेट से ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें तुमने वन लाख रुपीज़ लगाए हैं ये दिस इज़ जीरो ईयर तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ई ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर तो फाइव ईयरस तक ये तुम्हें फोर्टी फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ रिटर्न दे रहा है और सेम दिस इज़ प्रोजेक्ट वन अब एक प्रोजेक्ट टू है तुम्हारा उसमें भी तुमने वन लाख रुपीज़ ज़ीरो ईयर यानी इनिशियली इन्वेस्ट किए थे वन टू थ्री सो इसको मैं कर लेता हूँ लेट से वन टू थ्री एटी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड और फिफ्टी थाउजेंड ठीक है एटी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड और फिफ्टी थाउजेंड या इसको मैं ऐसे भी कर लेता चलो फिफ्टी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड एंड एटी थाउजेंड तो पॉइंट इज हमने एक चैप्टर एक तो बिजनेस में इन्वेस्ट किया था बिजनेस नंबर ए में उसमें हमने वन लाख ,00 इन्वेस्ट किए तो टोटल अमाउंट हमें कितना रिसीव हुआ फोर फाइव जै ट्वेंटी दैट मीन्स टोटल अमाउंट जो हमें आया वो आया इसमें टू लाख और यहाँ पे भी मैंने वन लाख इन्वेस्ट किया था और टोटल अमाउंट मुझे कितना रिटर्न हुआ इट इज ऑल्सो टू लाख तो प्रोजेक्ट ए में पैसे लगाने चाहिए प्रोजेक्ट बी में बिजनेस वन में या बिजनेस टू में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल से सर दोनों में लगा लो दोनों में रिटर्न तो सेम है दोनों में लगा लो दोनों में रिटर्न तो सेम है बट डिफरेंस क्या है गाइज डिफरेंस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिफरेंस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये जो बिजनेस टू है ये तुम्हें टू लाख तीन साल में ही पूरे कवर करके दे रहा है और ये जो बिजनेस है ये फाइव इयर्स बाद तुम्हारे को टू लाख ,00 कवर करके दे रहा है दैट मीन्स दो साल एडिशनल इसमें लगेंगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो इस टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और यहाँ पे ये थोड़ा सा चैप्टर हमारा एफ फाइव एफ टू उससे रिलेटेड है जिसके अंदर डिस्काउंटेड कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू वो सब कुछ था तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके हम कौन से बिज़नेस में अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वी विल इन्वेस्ट मनी इन दिस बिजनेस तो इसमें मैंने लॉजिक क्या लगाया मैंने लॉजिक ये लगाया कि आज की डेट में मैं चलो ये हटाया तो मैंने वन लाख इन्वेस्ट किए थे आज की डेट में इस फिफ्टी थाउजेंड की क्या वैल्यू है आज की डेट में इस सेवेंटी थाउजेंड की क्या वैल्यू है आज की डेट में इस एट्टी थाउजेंड की क्या वैल्यू है तो मैं इन सब की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा कि अगर एक साल बाद मुझे मिलेंगे तो आज की डेट में क्या इसका अमाउंट होगा जो मुझे बाद में जाके होगा? जैसे अगर मैं लेट से एट्टी थाउजेंड लेट से आई इन्वेस्ट इन अ बिजनेस जहां मुझे ट्वेंटी रिटर्न मिल रहे क्या बोला मैंने हालांकि टॉपिक्स इसमें है बट मैं तुम्हें क्रक्स में बता रहा हूं ताकि आगे दिक्कत ना हो एट्टी थाउजेंड मुझे मैंने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो 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 ,00 मैं करूं मैंने बैंक में एट्टी थाउजेंड इन्वेस्ट करे थे और मुझे ट्वेंटी फाइव परसेंट इंटरेस्ट आया एक साल बाद तो एक साल बाद ट्वेंटी तो मेरे अकाउंट में कितने पैसे हो गए एक लाख सो so, क्या मैं इसको यह बोल सकता हूं कि अगर मुझे लेट से वन लाख रुपीस की आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 80, कि अगर मुझे बैंक में लाख रुपीस चाहिए अगर मुझे एक साल बाद बैंक में लाख रुपीस चाहिए तो आज मुझे एट्टी थाउजेंड बैंक में जमा कराने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट रेट ऑफ ट्वेंटी इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू कि अगर मुझे एक साल बाद अब जैसे मैं सेम एग्जाम्पल तो मिलूं या एक काम करते हैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ हमें समझेंगे टॉपिक में क्वेश्चंस भी हैं तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है जैसा कि मैंने बताया था इट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी सो मनी रिसीव इज वर्थ मोर देन द सेम सम रिसीव्ड इन द फ्यूचर दैट इज टाइम वैल्यू कि आज अगर मुझे लाख ,00 मिलते हैं और पांच साल बाद भी मुझे वन लाख ,00 मिलते हैं तो आज वाले वन लाख ,00 की वैल्यू ज्यादा है पांच लाख वाले की मैं आज की वैल्यू निकालूंगा तो वो वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी लेट से नाइन क्यों नाइन्टी थाउजेंड में बैंक में जमा कराऊंगा विदाउट डूइंग एनीथिंग इस पर इंटरेस्ट आएगा फिर इंटरेस्ट आएगा फिर इंटरेस्ट आएगा फिर इंटरेस्ट आएगा वो जाके मेरी वैल्यू बनेगी वन लाख तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन लाख इज लेसर और मतलब आज की डेट के वन लाख की वैल्यू ज्यादा है और ये फैक्ट है दस साल बाद अगर मुझे एक लाख मिलेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी उस टाइम में सो तो इसका रीजन क्या होता है अर्निंग इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जो इंटरेस्ट रेट्स हमारे होते हैं इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन चीज़ें महंगी होती जाती है इन्फ्लेशन की वजह से पहले एक चॉकलेट हंड्रेड की आती थी आज वो चॉकलेट फाइव हंड्रेड की आती है तो मतलब हंड्रेड रुपीज़ की वैल्यू तो खत्म होगी ना अगर आज लेट से आज एक चॉकलेट है जो लेट से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ लेट से डेरी मिल्क क्रैकल मुझे बड़ी पसंद है ठीक है तो क्रैकल एक टाइम पर थर्टी रुपीज़ की आती थी आज के टाइम पर वो एट्टी रुपीज़ की आती है ठीक है तो अगर मैं पाँच साल पहले की बात करूँ जस्ट एन एग्जाम्पल आज उसकी वैल्यू थर्टी है तो पाँच साल बाद उसकी वैल्यू एट्टी हो रही है सो दैट मीन्स अगर उस टाइम पे मैं थर्टी रुपीज लेके शॉप पे जाऊंगा शॉपकीपर क्या बोलेगा कि भाई साहब थर्टी की नहीं एट्टी की है तो इसकी वैल्यू तो आधी रहेगी लेकिन अगर आज मैं शॉप पे जाऊँगा वो लेने तो आज तो मुझे थर्टी की मिलेगी तो दिस इज इस इन्फ्लेशन इसकी वजह से भी रुपी की वैल्यू या मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है और इफेक्ट ऑफ रिस्क अब की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक इज टेक अकाउंट ऑफ दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी वन अप्रेजिंग इन्वेस्टमेंट अगर मुझे किन किसी इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना है वेरीफाई करना है उसको जज करना है कि उसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करने तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इज यूज अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो सेम चीज जो मैंने तुम्हें बताई थी दिस अकर्स फॉर थ्री रीजन रीजन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी उन्होंने इसको एक्सप्लेनेशन दी हुई है अलॉन्ग विद सम एग्जाम्पल तो यह भी तुम पॉज करके एक बार पढ़ लो या अपनी बुक में से पढ़ लो क्योंकि इट इज नॉट रिक्वायर्ड इट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम अगर मैं तुम्हें थोरली पढ़ाऊं एग्जाम्पल मैं तुम्हें इसका ऑलरेडी दे चुका हूं नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग सो वॉट इज कंपाउंडिंग देखो एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्टेड एक होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्टेड सो सिंपल इंटरेस्ट रेट पहले क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट रेट इज़ जैसे मैंने वन लाख रुपीज़ बैंक में जमा किए इस पर मुझे हर साल टेन परसेंट रिटर्न आ रहा है तो लेट से फाइव परसेंट रिटर्न आ रहा है तो फाइव परसेंट इज़ फाइव थाउजेंड तो फाइव थाउजेंड पहला साल फाइव थाउजेंड दूसरा साल फाइव थाउजेंड तीसरा साल फाइव थाउजेंड फोर्थ ईयर फाइव थाउजेंड फिथ ईयर ये होती है हमारी सिंपल इंटरेस्ट और इसकी कैलकुलेशन लेकिन आज की डेट में सिंपल इंटरेस्ट कहीं नहीं चलता उसका रीज़न क्या है रीज़न क्या है अगर मैंने वन लाख रुपीस बैंक में इन्वेस्ट करें एक साल बाद मुझे फाइव थाउजेंड का इंटरेस्ट मिला तो टोटल अमाउंट जो मैंने बैंक में इन्वेस्ट किया वो कितना हो गया लाख अब अगले साल जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा इंटरेस्ट रेट इज लेट से फाइव परसेंट तो इस पर मुझे मिलेगा फाइव परसेंट फाइव थाउजेंड का फाइव परसेंट तो दिस इज वन लाख फाइव थाउजेंड इंटू फाइव परसेंट यह आ गया फाइव टू फाइव जीरो ऐसे उसके बाद मेरा टोटल वन लाख फाइव थाउजेंड प्लस फाइव टू फाइव जीरो ये आ गया वन वन जीरो टू फाइव जीरो अब इसके ऊपर मेरा फाइव परसेंट इंटरेस्ट लगेगा है ना अब इसके ऊपर मेरा फाइव परसेंट इंटरेस्ट लगेगा इन टू फाइव परसेंट दैट इज फाइव फाइव वन पॉइंट टू फाइव ऐसे ये चीज चलती रहेगी ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग के इंटरेस्ट का अमाउंट भी हम प्रिंसिपल में ऐड करके कंपाउंडिंग करते हैं और कंपाउंडिंग ही हमारा चलता है जब भी हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो या प्रेजेंट वैल्यू मेथड यूज करते हैं अब देखो इसका एक शॉर्टकट क्या होता है देखो

वन प्लस रेट अपॉन हंड्रेड तो वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड जैसे आर हमें दिया हुआ है टेन परसेंट तो क्या हो जाएगा अपॉन और वी कैन से ठीक इन टू नंबर ऑफ इयर जो हमें देखना है कि उसका रिटर्न क्या होगा इन टू नंबर ऑफ इयर दैट इज एन सो दिस इज कॉल्ड हमारा एक शॉर्टकट तरीका टू फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू के आज की डेट में अगर मैंने बैंक में वन लाख इन्वेस्ट किए हैं फाइव परसेंट इंटरेस्ट रेट है तो सिक्स इयर्स बाद इसकी वैल्यू क्या होगी ध्यान से अगर मैंने फाइव परसेंट बैंक में इन्वेस्ट करें फाइव परसेंट इंटरेस्ट रेट है तो सिक्स इयर्स बाद इसकी वैल्यू क्या होगी लेट से इनका क्वेश्चन करते हैं चलो इनका क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा अब इनका क्वेश्चन क्या है इनका क्वेश्चन है यू हैव फाइव थाउजेंड टू इन्वेस्ट नाउ फॉर सिक्स ईयर एट द इंटरेस्ट रेट फाइव परसेंट पर आना उसेंड हमारे पास फाइव थाउजेंड है जो हमने आज की डेट में इन्वेस्ट करने है, और हमें छल्यू क्या होगी वॉट विल बी दैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर सिक्स तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा देखो हम कैलकुलेटर पर कैसे करेंगे फाइव थाउजेंड इन टू क्या करा मैंने फाइव थाउजेंड इन टू वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव इंटू कितने ईयर सिक्स ईयर वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव इंटू सिक्स ईयर तो मैं कैलकुलेटर पे क्या करूँगा गाइस मैं लिखूंगा वन पॉइंट जीरो फाइव देखो कैलकुलेटर के स्टेप्स में बता रहा हूँ इजिली कैलकुलेशन के लिए फाइव मैं देन <clears throat> मैंने क्लिक किया मल्टीप्लाई कि अभी इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है अब मैं इज इक्वल टू दबाऊंगा सिक्स टाइम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सॉरी सॉरी सिक्स टाइम नहीं फाइव टाइम क्योंकि जब मैंने इंटू इज इंटू कर दिया जैसे ये एक बार ही हो गया दो बार तीन चार पाँच छः सो so, मुझे सिक्स ईयर्स का चाहिए तो वन पॉइंट जीरो फाइव इंटू मैंने करके जब इज इक्वल टू कर दिया दैट मीन्स दो बार ही हो गया अब एक दो तीन चार एक दो तीन चार सो so यार है वन पॉइंट थ्री फोर ज़ीरो जीरो नाइन और वी कैन से वन पॉइंट थ्री फोर जीरो तो वन पॉइंट थ्री फोर जीरो मेरी जो वैल्यू आ गई उसको मैं सीधा सीधा 5000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सो इन टू फाइव थाउजेंड यह आंसर आ रहा है मेरा 6700 दोबारा बता दो तो मैंने क्या किया दोबारा सिंपल तरीका मैंने क्या किया 1.05 1.05 इन टू करके जब मैंने इज इक्वल टू करा 1.05 ये पहला साल है मेरा जो इंटरेस्ट रेट होगा इन टू इज इक्वल टू तो दूसरे साल ये हो गया तीसरा चौथा पांचवा छठा सो दैट इज वन पॉइंट थ्री फोर डबल ज़ीरो तो जब भी हम इं टू करके इज इक्वल टू करते हैं तो वो दो साल हो जाते हैं जब भी इन टू करके हमने इज इक्वल टू करा दैट मीन्स वो चीज़ हमने दो बार लिख दी कैसे जब हम किसी भी वैल्यू को फाइव थाउजेंड को इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव कर दूंगा तो वो तो पहला साल आई गया तो फाइव थाउजेंड इंटू वन पॉइंट ज़ीरो फाइव फर्स्ट ईयर तो जब मैंने इन टू करके इज ईक्वल टू करा दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर दिस इज द शॉर्ट कट फॉर्मूला टू यूज़ इन योर कैल्कुलेटर इसके तुम कितनी मर्जी क्वेश्चन कर सकते हो दैट इज अप टू यू ठीक है अब जैसे मान लो मुझे सिक्स ईयरस की जगह लेट से मुझे यहां पे ये चीज टेन ईयर्स के लिए देखनी थी टेन ईयर्स के लिए तो फाइव थाउजेंड इन टू मैंने क्या करा पहले मैंने करो फाइव इन टू इज इक्वल टू जब वन पॉइंट जीरो फाइव इन टू करके मैंने इज इक्वल टू करा तो ये सेकेंड ईयर आ गया तो इज इक्वल टू अब मैं दबाऊंगा दो बार हो चुके हैं मुझे चाहिए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो मेरा आंसर आ रहा है वन पॉइंट सिक्स टू एट नाइन ये मेरा आंसर आ रहा है एक बार तुम भी चेक कर लो दोबारा चेक कर लेता हूँ वन पॉइंट जीरो फाइव इन टू इज इक्वल टू ये सेकेंड टाइम हो गया थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये हो गया वन पॉइंट सिक्स टू एट नाइन ये मेरा आंसर आ रहा है तुम भी एक बार ये चेक कर लो और उसको हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे फाइव थाउजेंड से ये आ जाएगा कि अगर हम आज की डेट में 5000 इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद इस 5000 की वैल्यू क्या होगी अगर 5 परसेंट रेट हर साल रहा तो 10 साल बाद इस 5000 की वैल्यू क्या होगी ठीक है सो दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स सिंपल है गाइस बिल्कुल मुश्किल नहीं है अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट बात यही वो चीज है जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग हमने ये देखा कि 5000 अगर मैं आज इन्वेस्ट करता हूं 10 साल के लिए तो बाद में जाके मेरी वैल्यू क्या आती है दैट इज कॉल्ड हम फ्यूचर वैल्यू देखते हैं अब अगर मुझे यह पता है कि आज से पांच साल बाद लेट से मेरा जो आंसर आया था ऊपर लेट मी चेक आंसर इसका जो आंसर आया था लेट से द आंसर सेवन हंड्रेड जो मैंने निकाला था तो 6700 ध्यान से सुनना गए 6700 मुझे सिक्स ईयर के बाद आ रहे हैं तो आज की डेट में मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कि सिक्स ईयर बाद मुझे सिक्सटी सेवन हंड्रेड आए और मार्केट में इंटरेस्ट रेट है फाइव परसेंट अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग और इसकी एक प्रेजेंट वैल्यू टेबल होती है तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल में हम क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू टेबल में फाइव परसेंट में हम सिक्स पॉइंट पे देखेंगे जो भी वैल्यू लिखी हुई है क्या बोला मैंने प्रेजेंट वैल्यू टेबल में फाइव परसेंट में के नीचे हम देखेंगे कि सिक्स ईयर में कौन सी वैल्यू लिखी हुई है सीधा इसको उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि आज की डेट में हमें उतने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे प्रेजेंट वैल्यू लेकिन ये जो तरीका होता है दिस इज अ रट्टू तोता तरीका या रट्टू तोता नहीं कह सकते दिस इज लाइक अ तरीका जहां पे तुम्हें टेबल चाहिए ही चाहिए अगर गलती से टेबल नहीं आई या कुछ नहीं आया तो तुम ये क्वेश्चन इसका मतलब कर ही नहीं पाए है ना लेकिन हमें टेबल पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना होता तो अगर मैं टेबल पे डिपेंडेंट ना रहूं तो मैं इसका आंसर कैसे निकालूंगा सिंपल देखो मैं क्या करूंगा 1.05 अब इसका मैं कैलकुलेटर तरीका बता रहा हूं ये जो फॉर्मुला है अभी मैं फॉर्मुला पे नहीं जा रहा मैं तुम्हें तो कैलकुलेटर तरीका बता रहा हूं वन अपॉन वन पॉइंट में क्या लिखा वन डिवाइडेड बाय वन जब मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया ये है मेरा वन मुझे चाहिए सिक्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये मेरी वैल्यू आ रही है जीरो पॉइंट सेवन फोर सिक्स टू जीरो पॉइंट सेवन फोर सिक्स टू दोबारा मैंने क्या किया वन डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो अब इन टू करने की जरूरत नहीं है सीधा इज इक्वल टू कर दिया वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो फाइव जब इज इक्वल टू करा दैट मीनस फर्स्ट ईयर ये आ गया मेरा फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू करते ही सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सिक्स। तो सिक्स के बाद मेरी आ रही है वैल्यू 0.7462 इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6700 से 6700 से मैंने मल्टीप्लाई किया मेरा आंसर आ रहा है 4999.64 और एक तरह से वैल्यू आ गई 5000 तो मैंने क्या किया पिछले क्वेश्चन में हम यहां से यहां गए थे उसमें हमने क्या किया था 5000 1 रेट या 1 वन पॉइंट जीरो जो भी हमारा रेट है या ऐसे कर लेते हैं वन प्लस रेट अपॉन हंड्रेड इन नंबर यहां पे हमने क्या करना है यहां हमने जो भी हमारी फ्यूचर वैल्यू है दिस ये आ जाएगी वैल्यू माइनस में ये आ जाएगी वैल्यू माइनस में माइनस में मतलब इसका उल्टा हो जाएगा माइनस मतलब इसका क्या हो जाएगा उल्टा तो यहां मैंने क्या किया सिंपल कैलकुलेटर पे मैंने करा वन डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो फाइव उल्टा कर दिया इज़ इक्वल टू पहले साल दूसरा साल तीसरा चौथा पांचवा, छठा दैट मीन्स सिक्स ईयर मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है इतनी है दैट मीन्स अगर मुझे छः साल बाद टोटल इतने पैसे चाहिए छः साल बाद टोटल इतने पैसे चाहिए तो इसको जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो आज की डेट में मुझे इतने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंटिंग मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं उसका रीजन ये है क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि बच्चों ने ये चीज एफ टू में भी पढ़ी होगी एफ फाइव में भी पढ़ी होगी तो इतना ज्यादा अगर मैं इसको डिटेल में कराऊंगा दैट्स गोइंग टू बी नॉट गुड फॉर यू क्योंकि तुम जो नाइन्टी बच्च... परसेंट बच्चों को ये आता होगा और वो थोड़ा बोर हो जाएंगे कि सर क्या एक चीज हमें तो आती है ठीक है बट जिन बच्चों जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको भी आई एम ट्राइंग कि अच्छे से ये चीज समझ आ जाए ज्यादा वो भी कंफ्यूज ना हो तो ये हमारा होता है डिस्काउंटिंग तो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला इन्होंने क्या बताया गया फ्यूचर इन टू वन प्लस रेट माइनस एन और फ्यूचर इंटू वन अपॉन वन प्लस रेट इन टू एन वन अपॉन वन प्लस रेट इंटू एन एक तरह से ये भी बोल सकते हो या फिर वन प्लस रेट को माइनस एन माइनस एन मतलब उसको उल्टा तो ये तुम ये भी कर सकते हो तो वन अपॉन वन प्लस रेट इज इक्वल टू करा तो पहला साल दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा अब इसके जब हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे वहाँ से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे अब एक काम करते हैं पहला वॉट इज वैल्यू ऑफ लाख फिफ्टीन थाउजेंड क्या बोला था हमने चार्ट को नहीं देखना हमने लॉजिक लगाना है कि अगर हमें वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड नौ साल बाद चाहिए दैट मीन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करते करते नाइन्थ ईयर बाद मुझे वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड चाहिए तो आज की डेट में दैट मीन जीरो अभी की डेट में मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जबकि इंटरेस्ट रेट होगा सिक्स परसेंट तो मुझे कितना चाहिए नाइन इंटरेस्ट रेट इज सिक्स परसेंट तो वन अपॉन वन पॉइंट जीरो सिक्स या वन प्लस सिक्स अपॉन हंड्रेड भी कर सकते हैं तो ये हो जाएगा वन पॉइंट जीरो सिक्स एक तरह से वन अपॉन वन पॉइंट जीरो सिक्स ध्यान से सुना गया था मैंने क्या किया वन पॉइंट जीरो सिक्स पर मैं कर रहा हूँ डिवाइड बाई वन पॉइंट जीरो सिक्स जैसे मैंने इज इक्वल टू ये पहला साल तो मुझे लेना है टोटल नाइन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो मैंने जब नाइन टाइम वो प्रेस किया तो मेरा आंसर आया जीरो पॉइंट फाइव नाइन वन एट तो जीरो पॉइंट फाइव नाइन वन एट इसको जब मैंने करा तो दिस इज जीरो पॉइंट फाइव नाइन नाइन तो जीरो पॉइंट फाइव नाइन नाइन इंटू वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड तो दिस इज सिक्स एट जीरो सिक्स एट तो मेरा आंसर आ रहा है सिक्स एट जीरो सिक्स एट पॉइंट थ्री टू आ रहा है तो हम सिक्स एट जीरो सिक्स एट लिखेंगे कि आज की डेट में मुझे इतने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इंटरेस्ट रेट इज सिक्स परसेंट जो नाइन ईयर्स बाद जाके वन वन फाइव ट्रिपल जीरो हो जाएंगे ठीक है सबको समझ आ रहा है मैंने क्या किया सो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग के बाद में अगर मुझे इतने पैसे चाहिए तो आज की डेट में मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना होता है तो मैं क्या करूंगा 1.05 करूंगा लेकिन अगर मुझे पास से प्रेजेंट में आना है तो वन डिवाइडेड बाय पॉइंट इज इक्वल टू जो मेरा आंसर आया वो पहला साल दूसरा तीसरा चौथा ये चलता चला गया ठीक है क्लियर है गाइस तो ये हमारा होता है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग टू डिस्काउंटिंग सिस्टम बहुत ही सिंपल है इसमें कुछ भी खास नहीं है अब आता है थोड़ा सा थ्योरी पार्ट थोड़ा सा थ्योरी पार्ट उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे थ्योरी पार्ट क्या है इन दी अबव डिस्कशन वी रेफर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट देर आर नंबर ऑफ ऑल्टर टर्म्स यूज टू रेफर द रेट अ फर्म शुड यूज टू टेक अकाउंट फॉर द वैल्यू ऑफ मनी एक होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक होता है डिस्काउंट रेट एक होता है रिक्वायर्ड रिटर्न तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है जो हमें क्वेश्चन में लिखी होंगी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी इतनी इतने परसेंटेज है डिस्काउंट रेट इतने परसेंटेज है या फिर रिक्वायर्ड रिटर्न इतने परसेंटेज है ये हमें क्वेश्चन में कोई ना कोई वैल्यू से दिया होगा वॉट टर्म इज यूज द रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज फॉर डिस्काउंटिंग रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस दैट विल बी टाइड अप विद द इन्वेस्टमेंट यू विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन लेटर दिस चैप्टर वो हमें बाद में पता चलेगा अब आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है गाइस ध्यान से सुनना इट इज टोटल आउटफ्लो टोटल आउटफ्लो माइनस टोटल इनफ्लो मैंने क्या बोला टोटल आउटफ्लो माइनस टोटल इनफ्लो और सारा हम देखेंगे अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे मतलब टोटल इनफ्लो अगर बताया हुआ है दूसरे साल इतना आएगा तीसरे साल इतना आएगा चौथे साल इतना आएगा पांचवें साल इतना, इतना आएगा उन सब की हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद टोटल आउटफ्लो में से टोटल इनफ्लो माइनस करेंगे अगर ये आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है कि आउटफ्लो हमारा या सॉरी मैं उल्टा बोल गया उल्टा बोल गया सॉरी गायस इट इज टोटल इनफ्लो आज की डेट का माइनस टोटल आउटफ्लो ये आंसर अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है कि हमें टोटल प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ रही है और आउटफ्लो जो जेब से पैसे जा रहे हैं वो कम है सो दैट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट वायबल है हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे इफ प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव अगर ये आंसर हमारा जीरो आ रहा है दैट मीन्स हमारी जो आउटफ्लो है जो सॉरी इनफ्लो है जो पैसे हमें आज की डेट की जो वैल्यू है उन पैसों की उतना ही हमने खर्चा करा है तो दैट मीन्स इस प्रोजेक्ट को लेने का कोई फायदा नहीं क्योंकि हमें कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा और अगर ये नेगेटिव आ रहा है इट सिंपली मीन्स एक्सट्रीमली हाँ सॉरी मुझे बीच में कॉल आ गया था हाँ सो गाइज वॉट आई वॉज से नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है जो टोटल इन्फ्लो हमारा होता है कि टोटल पैसे हमें प्रोजेक्ट से कितने आएंगे आज के रुपीज में मतलब आज की वैल्यू में और टोटल हमारा आउटफ्लो कितना हुआ है अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स इन्फ्लो ज्यादा है प्रेजेंट वैल्यू तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे और अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे दिस इज सिंपल लॉजिक ठीक है अब तुम ये सोच रहे हो कि सर आप जो ये चैप्टर है आप जो ये क्वेश्चंस हैं या टॉपिक है बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करा रहे हो आप स्लो एक्सप्लेन क्यों नहीं करा रहे गाइज ये है सिंपल सा लॉजिक बट ये लॉजिक तुम्हें अच्छे से तब समझ आएगा जब तुम इसके क्वेश्चंस करोगे दिस इज अ प्रैक्टिकल चैप्टर इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है थ्योरी बस जरा सी है दैट इज टू अंडरस्टैंड लॉजिक कि नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है जब उसके तुम क्वेश्चन करोगे तब तुम्हें ज्यादा चीजें अच्छे से समझ आएंगी तो आगे करते हैं अब इसमें एक बार चलो मैं तुम्हें पढ़ के भी बताता हूँ तुम बोलो सर आप पढ़ते नहीं हो ओके वॉट डज नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली मीन सपोज इन एन इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम वी कैल्कुलेट एन वीपी एन पी वी सॉरी ऑफ अटेन टू बी माइनस नाइनटी की हमने जब एनपीवी निकाली किसी एक प्रोजेक्ट में हमारी माइनस नाइन्टी सेवन डॉलर आई एट टेन परसेंट इट इज जीरो प्लस वन जीरो एट मतलब अगर हम टेंट पे अपना एन निकाल रहे हैं तो वो हमारा आ रहा है माइनस नाइनटी सेवन रुपीज डॉलर सॉरी जीरो पे कर रहे हैं तो कम आ रहा है और सॉरी टेन परसेंट पे कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है एट परसेंट पे कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव आ रहा है ठीक है दिस इज इज अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एज फॉलो जो मैंने तुम्हें रूल बताया था वही इफ द फंड वर बोरोड एट ट्वेल्व परसेंट अगर हमने ट्वेल्व परसेंट पे लोन लिया होता तो नाइन्टी सेवन डॉलर हमारी पॉकेट से जाते अगर हमने फंड्स लोन पे लिए होते तो हमारे को 12% परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ता तो 97 हमारी आउट ऑफ पॉकेट जाते हैं तो मतलब हम ये प्रोजेक्ट नहीं एक्सेप्ट करते अगर फंड्स हमने परसेंट पे लिए थे तो वो ब्रेक इवन होता कि ना हमारे पास पैसे आएंगे ना हमें कुछ देना पड़ेगा और अगर हमने इंटरेस्ट एट लोन पर लिया होता तो हमारे को हमारा पॉजिटिव आंसर आता दैट मीन्स ये प्रोजेक्ट हमारे लिए वायबल होता अब इसमें तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एजम्पन उसके बाद हम सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे और वहां से तुम्हें इसके मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सो प्लीज डोंट वरी तो सबसे पहली हमारी एजम्पन क्या आती है कि ऑल कैश फ्लो अकर्स एट द स्टार्ट और एंड ऑफ द ईयर मतलब अगर मैं बोलूं कि जीरो जैसे हम कहते हैं ईयर जीरो ईयर जीरो मतलब जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर मतलब ईयर वन के एंड में मुझे इतने पैसे आए एग्ज़ाम्पल ईयर टू के एंड में इतने पैसे आए या तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो भी पैसे आएंगे या जाएंगे वो ईयर एंड पे आएंगे या फिर हम ये मान के चलते हैं कि जो भी पैसे आए जाएंगे वो ईयर बिगनिंग में आएंगे तो हमें वो ईयर समझने पड़ेंगे बस हमें याद रखना है कभी ऐसा नहीं लिया होगा कि साल के मिडिल में हमें इतने पैसे आए या नाइन मंथ्स बाद इतने पैसे आए ऐसा कुछ नहीं है हमेशा या तो ईयर एंड पे या ईयर बिगनिंग पे हमारे को पैसे आएंगे देने पड़ेंगे क्वेश्चन से हमें अच्छे से ये भी क्लियर होगा दूसरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अकर एट टी जीरो के इनिशियली जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा होता है ईयर जीरो एक सेकंड का इस हाँ तो इनिशियली हमारा जो पीरियड होता है दैट इज हमेशा जीरो कि हम लेके चलते हैं टी मतलब यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट करी है टी मतलब एक ईयर एंड में जब भी मैं टी लिखता हूँ इट मीन्स फर्स्ट ईयर एंड में क्या होगा अब जब मैं आगे टी टू लिखूंगा मतलब सेकेंड ईयर एंड टी थ्री मतलब थर्ड ईयर एंड अदर कैश फ्लो स्टार्ट वन ईयर आफ्टर दैट जैसे मैंने बताया कि वन ईयर आफ्टर दैट दूसरे कैश फ्लो हमारे स्टार्ट होते हैं कैश इनफ्लो या फिर कैश आउटफ्लो अब गायज़ ये मैंने तुम्हें चीज़ बताई थी यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे हमें थोड़ी सी एक्सप्लेन करी हुई है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक बार पढ़ लेना अच्छे से समझ आ जाएगा अब सीधा सीधा देखो गायज हम क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना यहाँ से तुम्हें इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बहुत 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 ध्यान से देखना ठीक है हमें दिया हुआ है ईयर ज़ीरो वन टू थ्री फोर मतलब इनिशियली ईयर जीरो में हमने कितने पैसे इन्वेस्ट करे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर्स One, मतलब एंड दो साल खत्म होने, होने के बाद हमें टेन थाउजेंड आए तीन साल खत्म होने के बाद हमें एट थाउजेंड आए और चार साल खत्म होने के बाद हमें सेवन थाउजेंड आए अब इसका अगर हम टोटल देखें तो सिक्सटीन तो सिक्सटीन प्लस एट प्लस सेवन ये आ रहा है अराउंड थर्टी वन तो देखा जाए इन टोटलिटी हमें थर्टी वन थाउजेंड आ रहा है तो अगर सिंपल मैथ्स लेके चलू तो थर्टी वन थाउजेंड इज मोर देन ट्वेंटी फाइव के लगाए थे ट्वेंटी फाइव आ रहे हैं थर्टी वन तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए नॉर्मल यही होगा लेकिन हम कौन सा मेथड यूज़ करें नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड उसमें मुझे क्या निकालना पड़ेगा इन सब की आज की डेट की वैल्यू क्या होगी वो मुझे निकालनी पड़ेगी तो देखो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ईयर जीरो पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा वन होती है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस साल की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा होती है वन हमें बताया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज सिक्स परसेंट कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो सिक्स परसेंट है तो हमें बाद में इस टाइम पे जाके सिक्स थाउजेंड आएंगे इस टाइम पे टेन इस टाइम पर एट इस टाइम पे सेवन तो आज की डेट में इनकी वैल्यू क्या होगी आज की डेट में इनकी वैल्यू क्या होगी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे निकालना पड़ेगा इन सबका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे देखो कैलकुलेटर में पहले साल का कैसे निकलेगा वन डिवाइडेड बाय वन प्लस सिक्स अपॉन हंड्रेड वन डिवाइड बाय वन प्लस सिक्स अपॉन हंड्रेड दैट मींस वन डिवाइड बाय वन प्लस पॉइंट जीरो सिक्स दैट मींस वन डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो सिक्स तो मैंने कैलकुलेटर पे क्या किया वन डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो सिक्स लिख के इज इक्वल टू करा तो पहले साल का मेरा आंसर आ गया फर्स्ट ईयर एंड में जीरो पॉइंट नाइन फोर थ्री फिर दोबारा इज इक्वल टू करा जीरो पॉइंट एट एट नाइन या एट नाइन नाइन कर लेते हैं एट नाइन नाइन दोबारा इज इक्वल टू करा तो जीरो पॉइंट एट थ्री नाइन या एट फोर जीरो कर लेते हैं क्योंकि एट थ्री नाइन सिक्स आ रहा है तो एट फोर जीरो सॉरी एट नाइन जीरो आएगा एट नाइन जीरो आएगा यहाँ पे और दोबारा इज इक्वल टू करा 0.792 दोबारा से मैंने क्या किया पहले साल के एंड में वन डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो सिक्स जैसे करके मैंने इज इक्वल टू करा वन डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो सिक्स तो पहले साल की वैल्यू मेरी आ गई इतनी दोबारा से मुझे इज इक्वल टू प्रेस करने हैं दैट इज़ पॉइंट एट एट नाइन या पॉइंट एट नाइन जीरो इज इक्वल टू पॉइंट एट फोर जीरो इज इक्वल टू पॉइंट सेवन नाइन टू ये आ गई मेरी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अब मैं निकालूंगा प्रेजेंट वैल्यू अब यहां से मेरी आज की प्रेजेंट वैल्यू फाइव थाउजेंड तो मेरी जेब ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो मेरी जेब से जा ही रहे थे नेगेटिव अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी आज की डेट में सिक्स थाउजेंड इन टू पॉइंट नाइन फोर थ्री दैट इज फाइव सिक्स फाइव एट दैन टेन थाउजेंड पॉइंट एट नाइन जीरो यह आएगा मेरा एटी नाइन हंड्रेड देन एट थाउजेंड इंटू पॉइंट एट फोर ज़ीरो आएगा सिक्स सेवन टू ज़ीरो सेवन थाउजेंड इन टू पॉइंट सेवन नाइन टू यह आएगा फाइव फाइव फोर फोर अब मैं इसकी आज की आज की इतना खर्चा आज की डेट के अकॉर्डिंग इतने पैसे मुझे आएंगे आज की डेट की यानी प्रेजेंट वैल्यू अब इसका मैं टोटल करूँगा दैट मीन्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड या माइनस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस फाइव सिक्स फाइव एट प्लस एटी नाइन हंड्रेड प्लस सिक्स सेवन नाइन टू प्लस फाइव फाइव फोर फोर मेरा आंसर आता है वन एट नाइन फोर हो सकता है बुक का आंसर थोड़ा सा अलग रहा हो मेरा थोड़ा सा अलग रहा हो कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है मेरी ठीक है जो कि मुझे लग रहा है कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक ही है दोबारा चेक कर लेते हैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मैं फाइव सिक्स फाइव एट एटी नाइन हंड्रेड सिक्स सेवन अच्छा मैंने सिक्स सेवन टू जीरो है मैंने गलती से सिक्स सेवन नाइन टू कर दिया था जैसे सिक्स सेवन टू जीरो में मैंने गलती से सिक्स सेवन नाइन टू कर दिया था तो मेरा आंसर आ जाएगा वन एट टू टू वन एट टू टू So, ये आ गया मेरा आंसर सो ये आ रहा है मेरा पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव दैट मीन मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा तो मैंने क्या किया हर ईयर की हर टाइप की प्रेजेंट वैल्यू मैंने निकाल ली ठीक है सिंपल है बिल्कुल मुश्किल नहीं है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडरिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन न्यू इक्विपमेंट एस्टिमेटेड कैश फ्लो आर एस फॉलोस ये हमें कैश फ्लो दिया हुआ है कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नाइन परसेंट जैसे मैंने बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट इन फैक्टर इंटरेस्ट रेट तो यह हमें दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिए दोबारा से करते हैं चलो तो यहां पर प्रेजेंट वैल्यू एट नाइन परसेंट जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा इसका तो वन ही है पहले साल का वन रहता है इसमें मैं करूंगा वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो नाइन जैसे ही मैंने इज इक्वल टू करा तो पहले साल का आ गया जीरो पॉइंट नाइन वन सेवन दोबारा इज इक्वल टू करा जीरो पॉइंट एट फोर टू दोबारा इज इक्वल टू करा जीरो पॉइंट सेवन सेवन टू दोबारा इज इक्वल टू करा जीरो पॉइंट सेवन जीरो एट दोबारा इज इक्वल टू करा जीरो पॉइंट सिक्स फोर नाइन या सिक्स फाइव जीरो सिक्स फाइव जीरो जो चीज़ मैंने करी है गाइज तुम ये चीज मेरे साथ साथ कैलकुलेटर पे करना तभी तुम्हें यह कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि तुम्हें पीछे से चार्ट देखने की जरूरत नहीं है इट्स गोइंग टू बी वेरी लेंदी तुम सीधा अपना आंसर ऐसे निकालो ठीक है डिवाइड बाय जैसे इज इक्वल टू करा वो पहला साल आ गया दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तो ऐसे करके मैंने अपनी फिगर्स निकाल दी ये आ गई अब निकालते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू सो प्रेजेंट वैल्यू ये तो है टू लैख फोर्टी then 80,000 into 0.917 टू पॉइंट नाइन वन क्या एक्सेल पे करोगे तो उसका आंसर बड़ी जल्दी आ जाएगा फिर तो हमें मल्टीप्लाई सीधा फॉर्मूला लगाने सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा कैलकुलेटर पे करने की ज़रूरत ही नहीं है तो एक्सेल मैं प्रेफर करता हूँ सारे बच्चों को बट यहाँ पे मैं एक्सेल नहीं चला सकता अपने टैब में तो इसीलिए मुझे यहाँ सॉल्व करना पड़ रहा है सेवन थ्री थ्री सिक्स ज़ीरो वन ट्वेंटी इन टू पॉइंट एट फोर टू इट इज़ वन ज़ीरो वन ज़ीरो फोर ज़ीरो सेवेंटी इंटू पॉइंट सेवन सेवन टू इट इज़ फाइव फोर ज़ीरो फोर ज़ीरो दिन फोर्टी पॉइंट सेवन ज़ीरो एट इज़ टू एट टू एट थ्री टू ज़ीरो और नेक्स्ट आता है ट्वेंटी थाउजेंड इन टू पॉइंट सिक्स फाइव जीरो आता है हमारा थर्टीन थाउजेंड अब मैं निकालता हूँ अपना नेट प्रेजेंट वैल्यू सो टू फोर्टी माइनस टू फोर्टी मैंने पहले लिखा माइनस देन टू फोर्टी प्लस सेवन थ्री थ्री सिक्स ज़ीरो प्लस वन जीरो वन ज़ीरो फोर जीरो प्लस फाइव फोर जीरो फोर ज़ीरो प्लस टू एट थ्री टू जीरो प्लस थर्टीन थाउजेंड इट इज़ टू नाइन सेवन सिक्स जीरो सो टू नाइन सेवन सिक्स जीरो दिस इज़ माई आंसर तो इसको निकालने का मैंने कैसे करा जैसे मान लो जीरो पॉइंट सेवन सिक्स यहाँ पे जैसे मान लो ये सिक्स फिफ्टी है तो जीरो पॉइंट ऐसे जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स फोर नाइन नाइन एट अगर ये आ रहा है मुझे मैक्सिमम तीन तक की फिगर निकालनी है उसका रीज़न क्या है क्योंकि बुक में भी जो लास्ट में फिगर्स दी हुई हैं वो पॉइंट तीन फिगर्स तक दी हुई हैं इट इज़ नॉट डिफाइंड तुम चाहो तो कैलकुलेटर की फिगर से डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो बट ऐसे निकालोगे तो आंसर बुक से ज़्यादा मैच कर जाएगा तो मैंने क्या किया ये नाइन है तो ये फिफ्टी होगा तो ज़ीरो पॉइंट सिक्स फिफ्टी ये फिगर मैंने यहाँ पे लिख दी सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू के आज की डेट की मैंने जो अमाउंट मुझे बाद में आना है उसकी आज की वैल्यू क्या है ये उसकी आज की वैल्यू है कि अगर तब मुझे एटी थाउजेंड चाहिए तो आज कितने डालने पड़ेंगे पांच साल बाद मुझे ट्वेंटी चाहिए तो आज मुझे थर्टीन थाउजेंड डालने पड़ेंगे तो आज की प्रेजेंट वैल्यू से जब मैंने निकाला तो दिस इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ठीक है गाइस क्लियर है अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस सेम क्या है इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज पहले यहाँ बता के आगे एक्सप्लेन किए हुए हैं तो एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल तुम पढ़ लेना मैं तुम्हें यहाँ पे समझा देता हूँ तो सबसे पहला है एडवांटेजेस ऑफ एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड सो इट कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये हमारा फैक्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करता है सेकेंड इट इज एन एब्सुलट मेजर ऑफ रिटर्न एब्सुलट मतलब कि हमें एग्जैक्ट फिगर बाय फिगर बताता है कि आज अगर हम टेन थाउजेंड इन्वेस्ट करेंगे तो एक साल बाद कितनी वैल्यू आएगी तो ऐसे करके इफ वी नो इफ वी नो द इंटरेस्ट रेट हमें इंटरेस्ट रेट एग्जैक्ट पता है ध्यान से सुनना अगर हमें इंटरेस्ट रेट एग्जैक्ट पता है तो हम एग्जैक्ट अपना आंसर निकाल सकते हैं हम एग्जैक्ट अपना आंसर निकाल सकते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन कैश फ्लो एंड नॉट प्रॉफिट ये कैश फ्लो पर लिंकड है जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि हमारे लिए कैश फ्लो ज्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रॉफिट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता ये देखने के लिए कि प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने के नहीं करने इट कंसिडर्स दी होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट ये पूरी लाइफ बताता है कि अगर मान लो ट्वेंटी ईयर्स हैं ट्वेंटी ईयर्स तक रिटर्न आएगा कोई बात नहीं हम ट्वेंटी ईयर्स तक की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे जितना भी पूरा प्रोजेक्ट है उस पूरी लाइफ को हम देख के देखेंगे कि कितना हमें रिटर्न उस प्रोजेक्ट से आ रहा है एंड इट शुड लीड टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ कि अगर हम इस मेथड से अपनी इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो इट इज डेफिनेट कि हमारा आंसर जो है वो सही आएगा <coughs> और अगर प्रोजेक्ट अच्छा रहा तो शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी अब इसके नुकसान क्या हैं इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू मैनेजर्स अब मैनेजर्स को तुम कैसे समझाओगे प्रेजेंट वैल्यू तुमने कैसे निकाली है कैलकुलेटर पे कैसे निकाली है उसको काफी ज्यादा एग्जांपल्स देके जैसे मैंने दिए थे कि अगर आज मैं इतने पैसे डालता हूं दो साल बाद उसका इतना रिटर्न आएगा एक साल बाद इतना रिटर्न है, तीन साल बाद इतना रिटर्न है तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है एज अ स्टूडेंट तो तुम्हें समझ आ जाएगा बट तुम्हारे मैनेजर को ये चीज़ इतना अच्छे समझ नहीं आएगी दूसरा इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मैंने बताया था डिस्काउंटेड कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू इसकी नॉलेज जरूरी है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट जरा सा भी पॉइंट्स की गड़बड़ होगी एक आधा इज इक्वल टू कम ज्यादा हो गया तो आंसर हमारा गलत हो सकता है ठीक है ना एक्सेल में तुम देखो मैं अगर तुम एक्सेल में बताओ ना तो इसको निकालने का एक बहुत सही तरीका होता है देखो गाइस अब ये मैंने क्या किया मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ दिस इज अप्रेड शीट ठीक है ये एक्सेल है अब मैं तुम्हें एक्सेल में दिखाता हूं कि क्या चीज क्या तरीका यूज करके तुम इसका आंसर कितना जल्दी निकाल दोगे देखना एक्सेल के अंदर इसका आंसर कितनी जल्दी निकल जाएगा कैलकुलेटर से भी जल्दी निकल जाएगा मैंने कैलकुलेटर का तरीका तो बता दिया अब एक्सेल में देखो ध्यान से मुझे चाहिए नाइन परसेंट प्रेजेंट वैल्यू जीरो ईयर की तो प्रेजेंट वैल्यू मैंने बताया था वन होती है फर्स्ट ईयर की वैल्यू क्या होगी ध्यान से देखना मैंने जैसे फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू मैंने ऊपर वाली वैल्यू को सिलेक्ट किया डिवाइडेड बाय 1.09 मैंने क्या किया फॉर्मूला अगर तुमने मेरी स्प्रेडशीट वाली वीडियो देखी हुई है तो तुम्हें समझ आ जाएगा मैंने ऊपर वाला सेल सिलेक्ट किया और डिवाइड कर दिया 1.09 से और प्रेस कर दिया एंटर अब यहाँ पे गाइस फॉर्मूला क्या लग गया फार्मूला लग गया जो भी ऊपर वाली फिगर है डिवाइड बाय वन अब मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने इस फिगर को किया कंट्रोल सी कॉपी और नीचे चारों सेल को सिलेक्ट करके कर दिया कंट्रोल वी पेस्ट सिंपल मैंने क्या किया इस फिगर को मैंने करा सिलेक्ट चारों सेल सिलेक्ट करके मैंने वहां पे कर दिया पेस्ट तो हर इसमें फॉर्मुला क्या लग गया ऊपर वाली फिगर डिवाइड बाय 1.09 पॉइंट क्या लगा ऊपर वाली फिगर डिवाइड बाय 1.09 पॉइंट तो जो भी फिगर इनके ऊपर आएगी जो भी फिगर इसके ऊपर आती चली जाएगी अगर मैं इसको और भी ड्रैक करूंगा देखो कंट्रोल सी

अब सेम मैंने बताया था फॉर्मुलेस भी कॉपी हो जाते हैं इसको मैंने कॉपी करा इन सारे सेल को सिलेक्ट किया कंट्रोल वी पेस्ट ये देखो यहाँ पे मेरा सारी मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिकली होती चली गई ये देखो सारी फिगर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रही है और यहां पे मैं कर दूंगा इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट इन सब का टोटल ब्रैकेट क्लोज ये आ गया मेरा आंसर ये देखो कितनी जल्दी मेरा आंसर आ गया कैलकुलेटर का झंझट ही खत्म हो गया अब हो सकता है तुम कह रहे होगे कि सर इसका आंसर तो हमारी बुक वाले से थोड़ा अलग आया है हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस गाइस आता है क्योंकि यहाँ पे फिगर्स जो हैं वो पूरी एग्जैक्ट आ रही हैं जितनी मर्जी लंबी हैं वहाँ पे जो फिगर्स हमारी थी हमने जैसे यहाँ पे पॉइंट नाइन वन सेवन यूज़ किया आगे वाला छोड़ दिया यहाँ पे पॉइंट एट फोर टू यूज़ किया तो इसीलिए हमारा डिफरेंस आ जाता है बट ये आंसर भी तुम्हारा अगर तुम एग्जाम में करते हो दिस आंसर विल ऑल्सो बी राइट इसको एग्जामिनर गलत नहीं करेगा क्योंकि उसने भी एक्सेल से अपना आंसर निकाला होगा बहुत ध्यान से गाइस ऐसे अगर तुम एक्सेल यूज करोगे ना ये पूरा चैप्टर तुम्हारे टिप्स पे हो जाएगा कैलकुलेटर भी यूज करने की जरूरत नहीं है मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि कैलकुलेटर से बेटर तुम एक्सेल यूज करो क्योंकि एक्सेल में आंसर बहुत जल्दी निकल जाते हैं मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी वहां पर हर फिगर को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था ठीक है ना तो एक काम करते हैं आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आई विल ट्राई कि वो मैं एक्सेल में ही तुम्हें सॉल्व कराऊं ताकि एग्जाम टाइम में अगर तुम स्प्रेडशीट या एक्सेल यूज करते हो यू विल गेट हैंडी विद इट और तुम सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पाओ सो पढ़ते हैं आगे तो जैसा कि मैंने बताया था गाइस कि ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है ये तुम्हें मैंने एक्सप्लेन कर दिए अब तुम क्या करना अपनी बुक में से ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो डिटेल में हैं, एक बार इनको अथॉरिटी पढ़ लेना तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएंगे इसमें कुछ भी खास नहीं है नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ है टाइम सेविंग इन द एग्जाम कि तुम एग्जाम में कैसे टाइम सेव कर सकते हो तो वो तो मैंने तुम्हें इससे बेस्ट क्या बता दिया कि स्प्रेडशीट में अपना आंसर निकाल लो इन्होंने बताया या तो तुम सीधा सीधा अपना आंसर टेबल में से देख सकते हो कि जो टेबल गिवन है सीधा उसमें से निकाल लो या फिर जो मैंने तुम्हें फॉमूला बताया है वहाँ से तुम अपना आंसर निकाल सकते हो कि वन डिवाइड बाय लेट्स से वन पॉइंट वन जीरो जैसे यहाँ पे वन डिवाइड बाय क्वेश्चन क्या है फॉर एग्जाम्पल रेट इज टेन परसेंट हमें फाइव ईयर्स का निकाल लें रेट टेन परसेंट है तो फाइव ईयर्स का तो वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन जीरो क्योंकि रेट है टेन परसेंट तो वन पॉइंट वन जीरो तो वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन जीरो इज इक्वल टू हो गया पहला साल ए दो तीन चार पाँच ये आ गया पॉइंट सिक्स टू वन तो पॉइंट सिक्स टू वन आ गया मेरा आंसर तो जैसे ही मैंने इज इक्वल टू करा पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा यह आ गया मेरा आंसर या फिर जैसे मैंने तुम्हें तो स्प्रेडशीट में बताया वहां तो इतना इजी इक्वल टू उस पर ध्यान भी न रखना सिंपल जैसे मैंने बताया था वो यूज करो वहां से हमारा आंसर आ जाएगा अभी क्वेश्चंस करेंगे वहां से तुम्हें इजीली समझ आएगा डोंट वरी आई एम हियर डोंट वरी अब आता है नेक्स्ट गाइस देखो वॉट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड नाउ टू रिसीव टेन थाउजेंड इन फोर टाइम रेट इज एट पर एन कि हमें कितना अमाउंट आज की डेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर हमें

0.735 0.735 तो 0.735 को मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया 10000 से दैट मींस 7350 कि आज की डेट में मुझे 7350 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तभी जाके फोर ईयर बाद मुझे 10000 आएंगे अगर इंटरेस्ट रेट इज 8% अब अब आता है डिस्काउंटिंग एनोटीज अब डिस्काउंटिंग एनोटीज क्या है इस ये ध्यान से देखना ये टॉपिक थोड़ा सा जो हमारा टॉपिक है उससे अलग नहीं मैं बोलूंगा इसमें और थोड़ी चीजें देखो अब अगर मैं बोलता हूं जैसे एग्जाम्पल इनका करते हैं इलस्ट्रेशन इन्होंने देखो एक्सप्लेसन कुछ नहीं दी हुई सिंपल इलस्ट्रेशन है हमें बोला है अ पेमेंट ऑफ वन थाउजेंड इज टू बी मेड एवरी ईयर फॉर थ्री ईयर्स मतलब द फर्स्ट पेमेंट ऑकर्ड इन वन ईयर टाइम मतलब पहले साल जीरो में कोई पेमेंट नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले साल के एंड में हम वन थाउजेंड पे कर रहे हैं सेकंड ईयर के एंड में भी हम वन थाउजेंड पे कर रहे हैं थर्ड ईयर के एंड में भी हम वन थाउजेंड पे कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट इज टेन परसेंट वॉट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कि अगर हम इतना अमाउंट पे कर रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन हमारा क्या होगा हमें वो निकालना है तो यहाँ पर हमारी कोई फिक्र नहीं है तो सिंपल जैसा हमारा चार्ट था क्या है जीरो तो 0.10 अगर मैं 10% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालता हूँ तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा वन ओ सॉरी 1 डिवाइड बाय 1.10 तो ये आ जाएगा पॉइंट पहले साल तो हमेशा 1 रहता है देन 0.909 इज इक्वल टू 0.8264 इज इक्वल टू 0.751 पॉइंट ये आ गया मेरा आंसर गाइस ठीक है जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन अब मैंने क्या किया उसके बाद फिर इन सबको मल्टीप्लाई किया उसका टोटल कर लिया वो आ गया मेरा प्रेजेंट वैल्यू अब यहाँ पे एक लॉजिक क्या आता है गाइस अगर हमारी फिगर कांस्टेंट है ये फिगर कांस्टेंट है ध्यान से सुनना गाइस अगर ये फिगर कांस्टेंट है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ थाउजेंड इंटू पहला प्लस थाउजेंड इंटू टू प्लस थाउजेंड इन टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव वन तो यह तो वैसी मेरा फॉर्मूला है जो मैं यूज करूंगा और मेरा आंसर आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू का यही होगा ना दिस इन टू दिस दिस इन टू दिस दिस इन टू दिस वो मेरा आंसर अगर मैं इसमें से अपना कॉमन फैक्टर जो मेरा कॉमन फैक्टर है 1000, इसको मैं अलग से निकाल लू तो क्या होगा मैंने वन थाउजेंड देखो बहुत ध्यान से देखना मैंने वन थाउजेंड निकाल लिया अलग से वन थाउजेंड मैंने अलग निकाल लिया इन टू ब्रैकेट स्टार्ट जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन प्लस जीरो पॉइंट एट टू सिक्स प्लस जीरो पॉइंट सेवन फाइव वन कैन आई से बोल सकता हूं तो इन तीनों का मैंने टोटल कर लिया तो वो मेरा टोटल आ रहा है टू पॉइंट फोर एट सेवन तो मेरा आ रहा है टू पॉइंट फोर एट सेवन तो वन थाउजेंड इन टू जीरो सॉरी टू पॉइंट फोर एट सिक्स एट आ रहा है तो इसको मैंने वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरा आंसर आ गया टू फोर एट सिक्स पॉइंट एट यानी टू फोर एट सिक्स या टू फोर एट सेवन तो मैंने क्या किया मैंने इनको टोटल कर लिया जब भी हमारा अमाउंट यहां पे ध्यान से सुना जब भी हमारा अमाउंट यहां पे कॉमन होता है तो रादर देन प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकालने के लिए एक्सेल में करेंगे फिर तो जितना मर्जी बड़ी फिगर हो मैथ्स सिंपल मैथ्स से तुम्हारा आंसर आ जाएगा एक्सेल में तो कोई चक्कर ही नहीं है स्प्रेडशीट में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे सौ साल दे दो हमें कुछ नहीं करना सौ लिखना है ये कॉपी पेस्ट ये कॉपी पेस्ट ये कॉपी पेस्ट आंसर आ जाएगा है ना लेकिन अगर हमें कैलकुलेटर से यूज करना एक्सेल में यूज नहीं करना तो देर इज अ शॉर्टकट वे ऑफ डूइंग दिस कैसे मैं अभी बताता हूं तो मैंने एनुटी का मतलब क्या समझा एनुटी मतलब सम टोटल ऑफ प्रेजेंट फैक्टर एनुटी मतलब टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर स्टार्टिंग फ्राम ईयर वन एंड कि ईयर वन या ईयर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड तो फर्स्ट ईयर एंड के बाद जैसे फर्स्ट ईयर एंड के बाद मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है नाइन जीरो नाइन तो वहाँ से लेके मैंने सारी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर लिया दैट इज कॉल्ड माई एनोटी अब इसको करने का कैलकुलेटर पर शॉर्टकट तरीका क्या गया है गैस? ध्यान से देखना बहुत ध्यान से देखना मैंने क्या करा वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन जीरो जब करा वन डिवाइड बाय वन वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन जीरो इज इक्वल टू मेरा आ गया पॉइंट नाइन जीरो नाइन दोबारा इज इक्वल टू प्रेस किया ये आ गया पॉइंट एट टू सिक्स दोबारा इज इक्वल टू प्रेस किया वो आ गया पॉइंट सेवन फाइव वन ठीक है ये मेरी फिगर्स आ गई कैलकुलेटर पर तुम्हें दिख रहा होगा पॉइंट सेवन फाइव वन तुम्हें कुछ नहीं करना तुम्हारे कैलकुलेटर पर एक टर्म दी होगी जी टी तुम्हारे कैलकुलेटर पे बड़ा बड़ा लिखा होगा जीटी स ग्रैंड टोटल दिस मीन्स ग्रैंड टोटल ऑफ इज इक्वल टू कि जो भी तुमने इज इक्वल टू करके लिखा है उस सबका ग्रांड टोटल ग्रैंड टोटल ऑफ इज इक्वल टू तो तुमने तीन बार इज इक्वल टू दबाया तो जो भी तुम्हारी फिगर आएगी उसका टोटल आ जाएगा और टोटल देखना जब तुम करोगे जी टी दबाओगे इसके बाद जी टी तुम्हारा आंसर आ जाएगा टू पॉइंट फोर एट सिक्स या फोर एट सेवन ये तुम्हारा शॉर्टकट तरीका है कैलकुलेटर का टू फाइंड आउट एनवी है? या फोर एट सिक्स कर लो इसको चलो ये है तुम्हारा शॉर्टकट तरीका टू फाइंड आउट एनुटी कैलकुलेटर से चाहे जितनी मर्जी बड़ी फिगर हो कोई चक्कर नहीं बस इज इक्वल टू का ध्यान रखना कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए वरना तो एक्सेल है ही एक्सेल में तो कोई चक्कर ही नहीं ठीक है अगर तुम्हें क्वेश्चन में एनुटी फैक्टर मान लो वन टू सेवन एट नाइन ईयर्स का आता है तो ये तुम्हारी टेबल के अंदर गिवन ही होते हैं एन फैक्टर अगर छोटा है ना तो वो टेबल में गिवन होगा तुम चाहो तो टेबल से भी डायरेक्टली वैल्यू उठा के मल्टीप्लाई कर सकते हो ये वन थाउजेंड 10 पे फैक्टर देखो हर साल है अगर यहां सिर्फ थर्ड ईयर लिखा लिखा होता होता गाइस ध्यान से सुनना अगर थर्ड ईयर फिर थोड़ी देखता। अगर थर्ड लिखा होता, मैं देखता तो वाले को मल्टीप्लाई करना लॉजिक समझना है हर साल वन आ तभी मैंने एनुटी फैक्टर का टोटल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल करा है ठीक है तो अगर तुम्हारे को दो तीन साल पांच साल आ रहे हैं फिर तो फैक्टर को सीधा सीधा अपने फिगर को मल्टीप्लाई कर दो लेकिन अगर इन केस तुम्हारा इनकेट से फिफ्टीन इयर्स है तो तुम क्या करोगे तो उस केस में कैलकुलेटर काम आएगा या फिर हम स्प्रेडशीट में भी कर सकते हैं तो पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूं फिर एक स्प्रेडशीट पे करके दिखाता हूं देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है छोटा सा ये मैं तुम्हें कैलकुलेटर से करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्प्रेडशीट से करके दिखाऊंगा अ पेमेंट ऑफ थर्टी सिक्स हंड्रेड इज टू बी मेड एवरी ईयर हर साल पेमेंट होगी तो मतलब यहां पे लग जाएगा हमारा एनुटी क्योंकि हर साल पेमेंट होगी फॉर सेवन द फर्स्ट पेमेंट अकरिंग इन वन ईयर टाइम मतलब एक साल बाद ध्यान से फर्स्ट ईयर के बाद हमारी पेमेंट स्टार्ट हो रही है इंटरेस्ट रेट इज एट परसेंट तो अगर मैं इसको एनुटी फैक्टर को कैलकुलेटर पे करूँ मैं कैसे करूँगा थर्टी सिक्स हंड्रेड इन टू सो वन डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो एट मैंने लिखा वन पहले ए सी दबा दिया बिल्कुल सी ई सब सबको जीरो कर दिया वन डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो एट जैसी इज इक्वल टू कराइए हो गया पहला साल दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवा जैसी सातवा करके मैंने जी टी प्रेस किया ये मेरा आंसर आ गया पॉइंट फाइव टू सिक्स थ्री सेवन ओ सॉरी फाइव पॉइंट टू जीरो सिक्स थ्री तो फाइव पॉइंट टू जीरो सिक्स थ्री सेवन और मैं इसको बोल सकता हूं फाइव पॉइंट टू जीरो इंटू थर्टी सिक्स हंड्रेड आ गया मेरा आंसर वन एट सेवन फोर टू पॉइंट नाइन दैट मीन वन एट सेवन फोर थ्री ये मेरा आ गया अपना सिंपल सा आंसर वन एट सेवन फोर थ्री ठीक है गाइस मुश्किल था इजी था. सिंपल था तो यह आता है हमारा एनवटी अब पॉइंट आता है देखो यहां पे क्या बताया हुआ है तुम सोचोगे सर आप बहुत सारी चीजें छुड़वा रहे हो ये इन्होंने बेफिजूल की बातें बताई हुई है बेफिजूल मतलब अगर तुम सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ो किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे तब तुम्हें जो चीजें मैं समझा रहा हूं बोल रहा हूं उन्होंने वो चीज लिखी हुई है जैसे जस्ट एज यू आर प्रोवाइडेड विद प्रेजेंट वैल्यू टेबल इन द एग्जाम शोइंग प्री कैलकुलेटेड डिस्काउंट फैक्टर्स यू विल बी प्रोवाइडेड यूसो भीड टेबल समटाइम रेफर्स टू एट क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल विच विल प्रोवाइड फ्री प्री कैलकुलेटेड फैक्टर्स फॉर डिफरेंट डिस्काउंटिंग ईयर्स। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है या तो हम इस तरीके से चलें, या फिर टेबल से देखें द टेबल शुड नॉट बी यूज एज अ सब्सटीट्यूट ंग हाउ टू यूज दी फॉर्मुला क्या तुम्हें फॉर्मुला तो पता होना चाहिए हम टेबल पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे हम अपना कैलकुलेटर अपनी टेबल पर नहीं रहेंगे रिमेंबर ओनली कवर स्मॉल रेंज ऑफ डिस्काउंट रेट मैंने बताया था कि वन टू टेन फिफ्टीन तक ही दिया होता है अगर हमारा टाइम पीरियड ज्यादा बढ़ा आ गया तो वहां हमारी प्रॉब्लम हो सकती है टाइम पीरियड ज्यादा हो गया तो वहां हम टेबल से ना देके हमें अपना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अब एक अब एक काम करते हैं टेस्ट जरा मैं एक्सेल में करता हूं और तुम्हें तो कितना हमारा आएगा। मुझे पेमेंट ऑफ वन वन फोर डबल जीरो इज टू बी मेड एवरी ईयर फॉर थर्टीन द फर्स्ट पेमेंट अक्रिंग एट वन ईयर टाइम मतलब वन ईयर मतलब टी वन में हमारी पेमेंट हो रही है इंटरेस्ट रेट इज फाइव परसेंट थर्टीन ईयर्स के लिए हमें इसका आंसर निकालना है अब देखो मैं एक्सेल में इसको कॉपी करता हूँ मैजिकली कितनी जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा देखो गाइस तो ये मेरी स्प्रेडशीट है मैंने स्प्रेडशीट को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं हाँ तो देखो ये मेरी स्प्रेडशीट है मैंने लिख दिया इतना अमाउंट मुझे हर साल आएगा डिस्काउंटेड रेट इड फाइव परसेंट और ईयर इज थर्टीन अब देखो मैं क्या करूंगा मैं लिखूंगा सबसे पहले यहां पे ईयर अगर हमें फॉर्मेट ऐसे एग्जाम में बनाना है ईयर देन माउंट दे प्रेजेंट वैल्यू एट 5% परसेंट देन प्रेजेंट वैल्यू ठीक है अब यहां पे एनुअटी की हमें ऐसा जरूरत नहीं है मैं सीधा प्रेजेंट वैल्यू से आंसर निकाल सकता हूं कैसे ईयर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ये हो गया मैंने सारे ईयर लिख दिए अब मैं क्या करूंगा अमाउंट वन वन फोर डबल जीरो देखो वन वन फोर डबल जीरो मेरा आ गया अमाउंट पहले साल तो कुछ भी नहीं आ रहा तो मैं इसको कर लेता हूँ जीरो देन अगले साल वन वन फोर डबल जीरो ईयर एंड में हमें पेमेंट करनी पड़ रही है इसको मैंने किया कॉपी लास्ट तक सिलेक्ट किया थर्टीन तक यहां कर दिया पेस्ट ठीक है प्रेजेंट वैल्यू पहले साल की होती है वन यहाँ क्या होगी इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो फाइव दिस डिट जीरो फाइव एंटर इसको किया कॉपी और नीचे सिलेक्ट कर दिया लास्ट तक यहां पे कर दिया पेस्ट ठीक है और दोबारा से इज इक्वल टू फॉमूला क्या होता है हमारा इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मुझे सिर्फ मैथ्स नहीं यूज करनी अपना दिमाग नहीं यूज़ करना मैं देखो यहाँ पे दिमाग नहीं यूज़ कर रहा मैं सिर्फ कैलकुलेटर ओ सॉरी अपनी की यूज कर रहा हूँ कैलकुलेटर पर दिमाग दिमाग कुछ यूज़ नहीं करना ये मेरा आंसर आ गया इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट इन सब का टोटल ब्रैकेट क्लोज एंटर ये देखो ये मेरा सीधा सीधा आंसर आ गया दैट इज 107086.73 ये मेरा सीधा आंसर आ गया अब अगर मुझे फैक्टर का टोटल करना है तो देखो मैं क्या करूंगा एनुटी फैक्टर का भी टोटल कर सकता हूं कैसे इसी फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी और यहां पे कर दिया पेस्ट ये हो गया मेरे एनुटी फैक्टर का टोटल अगर कोई तुमसे पूछता है कि नाइन ईयर्स का सॉरी थर्टीन ईयर्स का फाइव परसेंट थर्टीन ईयर्स का फाइव परसेंट एनुटी फैक्टर का टोटल क्या होगा दोबारा से फाइव परसेंट एनुअिटी फैक्टर का थर्टीन ईयर का टोटल क्या होगा मैंने यहां से फर्स्ट ईयर को नहीं काउंट करेंगे यहां से लेके मैंने यहां तक इसका कर लिया टोटल यहां से लेके यहां तक मैंने कर लिया टोटल दैट इज नाइन सिंपल थ्री नाइन थ्री है निकालना है ना अब एक काम करते हैं मैं उसको कैलकुलेटर पे भी करके दिखाता हूं मैंने कैलकुलेटर पे क्या किया गया मैंने कैलकुलेटर पे लिखा वन डिवाइड बाय वन पॉइंट मैंने लिखा वन डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो फाइव मैं एक सेकेंड उसमें करता हूँ ये शीट में मैंने क्या किया इस यहां पे वन डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो फाइव इज इक्वल टू जब मैंने करा वन डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो फाइव इज इक्वल टू मतलब पहला ऐसी टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन है तो थर्टीन टाइम्स मतलब टोटल थर्टीन देख लिया वन टू करके थर्टीन टाइम्स जब कर लिया तो ये भी नाइन पॉइंट थ्री नाइन थ्री फाइव सेवन मेरा आ रहा है जिसको मैंने वन वन फोर डबल जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है गाइज ये फॉर्मूला सबको समझ आया तो दिस इज हाउ यू कैन गेट योर आंसर और पॉइंट पता है क्या है गाइस मैं तुम्हें समझाने की क्या बात कर रहा हूँ कि जो हमारा ये डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है ना ये जो हमारी स्प्रेडशीट होती है स्प्रेडशीट इतना सही होती है कि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो ना इन्होंने जो अलग अलग टर्म्स दी हुई हैं एनुटी परपैचुअटी ये सब वो सब तुम्हें इन सब पे ध्यान ही नहीं देना मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन एक्सेल में करके दिखाऊंगा तुम कहोगे सर एक्सेल तो बहुत ही आसान है हमें ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की और ये फैक्ट है तो पॉइंट इज एक्सेल स्प्रेडशीट क्यों इंपॉर्टेंट होती है तो तुम्हें पता चलेगा ये सारी टेबल स्प्रेडशीट में कितनी जल्दी होती है ये सारे फार्मूलेज उसमें इतनी जल्दी समझ आते हैं मैं फॉर्मूलाज भी कराऊंगा ऑफकोर्स लेकिन वहां से भी बताऊंगा ठीक है ये बहुत ध्यान से करेंगे इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आज की वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी समझ आया या नहीं आया मैं फास्ट हूं या स्लो हूं प्लीज़ मुझे ज़रूर रिव्यू देना गाइस क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इस टाइप की वीडियोस सही है कि नहीं मुझे हो सकता है स्लो होना पड़े या कुछ बच्चे बोले सर आप और फास्ट कराओ आप ज़्यादा स्लो हो आई वॉन्ट योर रिव्यू चलो बाय गाइस टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम